Hello everybody, welcome to my channel Code Code Codes. If you are new to this channel, then do consider like, comment, share and subscribe to this channel. So currently अभी Python Mega Series चल रहा है जो कि basic से advanced है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग का cover हो रहा है Python language, यहाँ पे हम लोग का cover हो रहा है object oriented programming language और पूरा DSA cover हो रहा है basic से advanced. तो अभी चल रहा है topic कौन सा, bit manipulation. तो ये बहुत दिन बाद शुरू हुआ है, तो let's continue on counting bits. So let's read the question very specifically. कि question क्या कह रहा है? So given an integer n, return an array answer of length n plus 1 such that for each i is greater than equal to 0 and less than equal to n, answer i is the number of ones and in the binary representation of i. So here input is given n is equal to 2 and the output is 011. So let's figure it out how this output actually came. So let's figure it out. तो हम लोग को basically करना क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है. तो हम लोग को दिया हुआ है n is equal to 2 और हमारा output है क्या, 0, 1, 1. अब ये आ कैसे रहा है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, कैसे ये आ रहा है. तो बेसिकली देखो कुछ नहीं है, 0, 1 और 2 जो भी नंबर दिया हुआ है बेसिकली उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं. तो 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 ही होगा. 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 होगा. अब हम लोग का देखो 1 का बाइनरी नंबर 1 होगा और इसमें कितना नंबर ऑफ सेट बिट्स है वो हम लोग को बेसिकली इसमें लाना है. अब 2 का सेट बिट कितना होता है, हम लोग को पता होता है कि एक ही होता है. देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1 और 0 नंबर ऑफ सेट बिट कितना है, 1. अब 3 का देखो कितना होता है सेट बिट, 3 का होता है 1 और 1, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट बिट कितना है, 2. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2. तो हम लोग को देखो जो भी एन दिया हुआ रहेगा तो 0 से लेके n तक जाना है, ठीक है. 0 से लेके हम लोग को n तक जाना है, यानी कि पूरा जो भी नंबर है वहां तक जाना है और हम लोग को बताना है हर एक नंबर पे नंबर ऑफ सेट बिट कितना है और एरे के फॉर्म में हम लोग को सिंपली रिटर्न कर देना है. तो डेट इज आवर क्वेश्चन. तो हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, 0, 1, 1 और 2, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा. हम लोग ये करेंगे कैसे, तो देखो पहला मेथड मेरे दिमाग में क्या आ रहा है. सबसे पहले हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे जो हम लोग का बेसिकली क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ सेट बिट, काउंट करेगा तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ सेट बिट, ठीक है. तो ये हम लोग का एक फंक्शन हो जाएगा जो कि हमको क्या गला के देगा, नंबर ऑफ काउंट नंबर ऑफ सेट बिट, यानी कि हम लोग जो भी नंबर डालेंगे जैसे 3 डाले तो ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करके देगा, 2 देगा. मान लो हम लोग दिए इसको 2, तो यहाँ पे पास किए 2, तो हमको क्या रिटर्न करके देगा, 1. तो ये बेसिकली काउंट करेगा नंबर ऑफ सेट बिट्स, ठीक है. तो ये काउंट करेगा तुम्हारा नंबर ऑफ सेट बिट्स. तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से. अब हम लोग क्या समझना है कि ये चीज हम लोग फंक्शन बना लेंगे. सेकंड जो मेरे ख्याल में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लूप चलाएंगे एक अनदर फंक्शन में. एक लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, फॉर लूप चलाएंगे हम लोग कहां से कहां तक, 0 से लेके लास्ट जहां पे एन दिया रहेगा वहां तक, यानी कि हम लोग का 3 दिया हुआ है तो 3 तक. और हम लोग हर बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हर बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शन हम लोग क्या करेगा, काउंट लाके देगा. तो जैसे मान लो आई का वैल्यू 2 है, तो हम लोग आई का वैल्यू जैसे ही 2 आएगा हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम लोग को ये सेट बिट काउंट करके दे देगा और सिंपली इसको एरे में हम लोग अपेंड कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट ड्राई रनिंग ऑन स्मॉल एग्जाम्पल. तो लेट्स डिलीट एवरीथिंग एंड डू द ड्राई रन और उसके बाद हम लोग जानेंगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है. तो फटाफट से हम लोग इसको डिलीट करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं एक्चुअल अप्रोच. तो देखो यहां पे क्या हो गया है, तुम्हारा 0, 1 और 2 है, n तुम्हारा ये है. तो हम लोग सबसे पहले i का वैल्यू यहाँ पे था, तो हम लोग देखे कि 0 में काउंट कितना है, तो 0 में काउंट है मेरा 0, ठीक है. तो हम लोग इसको एरे में अपेंड करा दिए. फिर हम लोग i का वैल्यू आया 1 पे, आई के वैल्यू जैसे ही 1 आया हम लोग क्या कर दिए, उस फंक्शन को कॉल करा दिए जो कि हम लोग का क्या कर रहा है, सेट बिट काउंट करके दे रहा है, ठीक है, ये फंक्शन. तो जैसे ही आई का वैल्यू 1 आया हम लोग क्या किए, तुम्हारा इस फंक्शन को कॉल करा है तो काउंट हम लोग को दिया रिटर्न में 1. फिर जब आई मेरा 2 पे आया तो हम लोग फिर इस फंक्शन को कॉल किए तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, तुम्हारा 1. अब मेरा लूप खत्म हो चुका है,
तो सिंपली हम लोग एंसर इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एंसर रिटर्न करने से पहले हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जान जाते हैं। तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। कैसे होगा, तो देखो ध्यान से कि हम लोग लूप कितना टाइम्स चला रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चला रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ सेट बिट काउंट करते हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग लॉगरिथमिक ऑफ एन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम लोग बार बार चला रहे हैं जब तक कि हम लोग ये लूप चला रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और ये हो जाएगा हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि एरे में एज एन आंसर कंसिडर्ड हो रहा है। लेकिन इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो फटाक से हम लोग कहाँ चलते हैं अब इसको, एक मिनट, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। अब ये हो गया हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम लोग इससे भी अच्छा बेटर अप्रोच क्या है हम लोग को वो देखना है। तो फटाफट से हम लोग इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे तुम लोग ऑर्डर ऑफ वन मान सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर एज ए ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो फटाफट से हम लोग इसको डिलीट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपना अगला अप्रोच पे जो कि ऑर्डर ऑफ एन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों का कोडिंग, ठीक है। तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न देखना होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एन इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे कितना नंबर है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एन ले लो 8 तक तुम, ताकि हम लोग अच्छे से पैटर्न यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाए। एन ले लो 8 तक, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है सबका सेट बिट, यानी कि हर एक नंबर स्पेसिफिक नंबर का सेट बिट बताना है हम लोग को। तो हम लोग वो काम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो हम लोग को पता है कि 0 में कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 1 में नंबर ऑफ सेट बिट कितना होता है, 1। इसका हम लोग देखेंगे कितना होता है सेट बिट, तो 1 और 1। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे काउंटिंग, यहाँ पे ये हम लोग का एक्चुअल सेट बिट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का काउंटिंग है 0, 1 और यहाँ पे 2। इसका भी सॉरी यहाँ पे होता है 1 हो जाएगा, Not to. Let me delete this one. Okay. तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 10. तो यहाँ पे 0 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ काउंटिंग में लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। 0 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1। 3 का होता है 11, तो इसका हो जाएगा 2। 4 का होता है तुम्हारा 1, फिर 00, यस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। 5 का होता है तुम्हारा 14 एंड तुम्हारा 1, दैट इज 101, तो यहाँ पे भी गया 2। 6 का होता है तुम्हारा 42, तो यानी कि 110, तो यहाँ पे हो गया 2। 7 का होता है 111, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3। 8 का होता है हमारा 100, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अब हम लोग को देखो यहाँ पे कि पैटर्न नजर करना है। अब तुम जो भी नंबर देखो, जो भी नंबर, जो भी यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है जो भी, वो डिविजिबल अगर हो जा रहा है 2 से, हम लोग को इन दोनों का पहले से ही पता है, या फिर तुम सिर्फ इसका ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 0 को हमेशा पता है कितना आता है, 0 आता है, ठीक है, हमको 0 का पता है हमेशा, 0 आता है। अब मान लो तुम इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, जैसे कि तुम्हारा 2 इवन नंबर है, तो इसका क्या होगा हमेशा, एंसर ऑफ आई इक्वल टू 2। अब जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे हम लोग का 2 है, ठीक है, तो हम लोग का जो भी इवन नंबर, यानी कि जो भी आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अब ये चीज पैटर्न हम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग इस पे रन करेंगे ड्रॉइड। तो मान लो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 तुम्हारा इवन है, तो 2 मॉड्यूलो क्या 2 तुम्हारा 0 है, अगर है तो जो भी आंसर ऑफ आई का वैल्यू है वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, आंसर ऑफ I divided by 2, it means तो I का वैल्यू क्या है, answer of 2 is equal to answer of 2 divided by 2, that is equal to 1। मतलब जो भी मेरा वैल्यू है एरे में, मान लो हम लोग एंसर वेरिएबल रखे और हमको पता है कि एटलीस्ट सबका 0 तो होगा ही, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को पता है कि सबका सेट बिट 0 तो होगा ही, ठीक है, एटलीस्ट 0 होगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे पहले हम लोग बताते हैं कि अगर ये इवन नंबर है तो हम लोग का क्या होगा, जो भी मेरा
हाफ कर देंगे, उसका जो भी सेट बिट होगा 100% उसका भी वही होगा। अब ये कैसे होगा हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे टू है, टू डिवाइडेड बाई हम लोग टू किए तो क्या आया, वन आया। तो अब देखो इसका सेट बिट काउंट और इसका सेट बिट काउंट बराबर है, ठीक है। अब आ जाओ फोर पे, क्या तुम्हारा फोर डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो है? यस, इट इज इवन नंबर। अब हम लोग फोर डिवाइडेड बाई टू किए तो फोर डिवाइडेड बाई टू देखो क्या है, इसका भी वन है और इसका भी वन है, वेरी गुड। अब आ जाओ सिक्स पे, क्या सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो है? तो हम लोग इसका देख चुके हैं, टू का, फोर का देख चुके हैं, अब सिक्स का देख रहे हैं हम लोग। तो सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो, 100% जीरो है। तो सिक्स डिवाइडेड बाई टू क्या होता है, थ्री होता है। तो देखो जो भी सिक्स का काउंट है यहाँ पे और जो भी थ्री का काउंट है, दोनों क्या एकदम बराबर है। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो गया तुम्हारा, इस हिसाब से हम लोग का समझ चुके हैं कि जो भी मेरा इवन नंबर है तो जो भी उसका हाफ होगा और जो भी वहां का सेट बिट होगा 100% इसका भी यहाँ भी वही होगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ। एट का देखो, एट डिवाइडेड बाई टू दैट इज फोर, तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन है। तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब आता है इन केस ऑड में क्या होता है, तो जो भी ऑड नंबर है हम लोग वहां पैटर्न समझते हैं। तो जैसे कि थ्री तुम्हारा ऑड नंबर है, थ्री इज नॉट डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो, तो जो भी मेरा पिछला है नंबर उसका बस प्लस वन कर दो। जैसे कि टू है तो टू का सेट बिट कितना है, वन, और वन प्लस वन क्या हो गया, टू। अब आ जाओ तुम सेवन में, ठीक है, ध्यान से पैटर्न देखना। सेवन में आए हम लोग, और हमेशा याद रखना जब भी हम लोग ऑड से इवन में जाते हैं, एक हम लोग का क्या होता है, अपने आप इंक्रीज हो जाता है। कभी भी तुम कोई भी सेट बिट आराम से निकालना, इवन से तुम ऑड में जाओगे हमेशा एक अपने आप बढ़ जाता है, उसका क्या, नंबर ऑफ सेट बिट, ठीक है। तुम कभी भी किसी का करके देखना, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारा 11 का करता हूं, तो 11 का क्या आता है, 1111, और 10 का क्या आता है तुम्हारा, तो 4210, तो 4210, और यहाँ पे आता है 8, तो 1010, ठीक है। तो तुम्हारा 1010 आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा 10 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर ऑफ 842, ठीक है। और 11 का क्या होता है तुम्हारा, 8 4 8, सॉरी 11 का 1 नहीं, यहाँ 0 होता है, 8, और यहाँ 2, और यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा 1। तो यहाँ पे देखो 11 का कितना हो गया, 8 टू 10 और 1 11। तो जैसे ही हम लोग 10 से 11 में गए, हम लोग का क्या होगा, 1 इंक्रीज कर गया, इसका था 2, तो 11 का हो गया कितना, 3। तो सिंपल सा समझ जो यहाँ पे जो पैटर्न है कि जब भी नहीं डिविजिबल होगा तो आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। तो बेसिकली मान लो जो भी ऑड वैल्यू होगा मेरा, उसका क्या होगा, प्रीवियस वाले का वैल्यू लेगा और प्लस वन कर देगा। तो इस तरह से हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न देखे, प्रीवियस पैटर्न को मैच किए, और उसके बाद हम लोग एक सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इफ यू स्टोर द आंसर, अदरवाइज इट इज ऑर्डर ऑफ वन इफ यू डायरेक्टली प्रिंट द आंसर। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोड, बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ, तो हम लोग अब जंप करते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग दोनों अप्रोच देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो लेट मी डू द एनालिसिस, ओके। सो बेसिकली देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का आंसर है जो कि स्टोर करेगा हम लोग का आंसर। अब जैसा कि मैं बताया था कि हम लोग लूप चलेंगे कहाँ तक, जीरो से लेके थ्री तक, मान लो एन अगर थ्री है तो, उसके बाद हम लोग हर बार काउंट ऑफ एन बिट्स फंक्शन को कॉल करेंगे और हम लोग सिंपली एलिमेंट को अपना पास करेंगे, जो भी एलिमेंट है। मान लो एन है, आई एलिमेंट का वैल्यू है 2, तो यहाँ हम लोग को 2 का सेट बिट काउंट हमको लाके देगा, और जो भी आंसर आएगा सिंपली हम लोग उसको इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और हम लोग उसको आंसर में अपेंड करा देंगे। और ये हम लोग का काउंट फंक्शन है जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली क्वेश्चन में हो चुका है। तो जो भी इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते हो, पिछले क्वेश्चन को देखो जाके, 52th वीडियो होगा, उसको अच्छे से समझो, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब ब्रूट बेटर में बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल देखो हम लोग क्या बोले थे कि एटलीस्ट हर एक नंबर का क्या होगा, सेट बिट जो होगा वो जीरो होगा एटलीस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जहां तक मेरा लूप है, यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 1 से लेके 7 तक,
सेवन दिया हुआ था, हम लोग वन से लेकर सेवन तक जाएंगे। हम लोग जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी जीरो का पता हमको कितना है, जीरो जो कि स्टोर्ड है यहाँ। फिर इफ इट इज इवन नंबर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई डिवाइडेड बाई टू, अगर ये ऑड है तुम्हारा, हम लोग प्रीवियस नंबर प्लस वन करके दे देंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोग सिंपली आंसर दैट इज एरे। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था और यहाँ पे ऑलरेडी मैं कमेंट में लिख चुका हूँ, अभी भी नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिट मैनिपुलेशन के।